दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज दूत। देश की सर्वोच्च सदन यानी संसद में इस समय उड़ते चुम्मे पर बहस हो रही है। जी हां, जिन सांसदों को आम जनता अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए सदन में सांसद बनाकर भेजती है, वे अब फ्लाइंग किस पर बहस कर रहे हैं और न केवल देश बल्कि सारी दुनिया भी देख रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या किया, क्या इशारा किया, यह एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन बीते दो दिन से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में उड़ते चुम्मा और फ्लाइंग किस चल रहा है। राहुल गांधी ने क्या इशारा किया, क्या महिला सांसदों को इशारा किया, क्या उनकी दिशा और दृष्टि महिला सांसदों की तरफ थी, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन क्या वास्तव में फ्लाइंग किस का मुद्दा देश का इतना ज्वलंत और सर्वोच्च मुद्दा है कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद अपना दो दो दिन बर्बाद करे? क्या देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, जल, जंगल, जमीन ऐसे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं कि हम उड़ते चुम्मे पर बहस कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जो इशारा किया है, वह उनकी दृष्टि जो अभी अवेलेबल है, जो वीडियो, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उनका इशारा या दृष्टि महिला सांसदों की ओर हो। फिर भी यह हाय तौबा क्यों, यह एक सवाल भी है। सवाल तो यह भी है कि क्या सांसद जो भी हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वे क्या सभी देश के मुद्दों को छोड़कर उल्टे चुम्मे पर बहस करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में उन महिलाओं को, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हों, चाहे वे मणिपुर की हों, जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उस पर ये महिलाएं मौन क्यों हैं? सवाल यह भी तो बनता है कि वे तमाम महिला सांसद, मंत्री सहित, जिन्होंने स्पीकर को लिखकर शिकायत की है, अर्जी दी है, यही शिकायत और अर्जी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के लिए क्यों नहीं दी? इन तमाम सवालों से दूर हटकर हम उड़ते चुम्मे और फ्लाइंग किस पर बहस कर रहे हैं और हम अब क्या कहें, हम किस ओर जा रहे हैं? हमारे सांसदों को थोड़ा विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।